यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं। केकेआर में वापसी के बाद गौतम गंभीर की पहली स्पीच हुई वायरल। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 को शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सभी टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को आगामी टूर्नामेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स में वापस लौट चुके गौतम गंभीर ने IPL 2024 से पहले अपनी पहली ही स्पीच के जरिए हुंकार भरी है। उन्होंने प्लेयर्स को टीम के कल्चर से वाकिफ कराया और अपने तौर तरीकों के बारे में बताया। गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो बार IPL ट्रॉफी जीती। अब गंभीर की एक बार फिर KKR में वापसी हो गई है। अब वो टीम के मेंटोर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। कोलकाता ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गौतम गंभीर की स्पीच का वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गंभीर कह रहे हैं, आप एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, इसीलिए ये सुनिश्चित करें कि आप वैसे ही ट्रेनिंग करें, खेलें और मैदान पर उसी एटीट्यूड के साथ उतरें। एक बात जिस पर मैं यकीन करता हूं, वो है खिलाड़ियों को पूरी आजादी देना। ये बहुत ही अहम है। जो लोग मेरे साथ खेले वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इस टीम में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। यहाँ कोई जूनियर या सीनियर नहीं है, यहाँ कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। जीतना है एकमात्र मिशन। पिछले कुछ सीजन KKR के लिए अच्छे नहीं बीते हैं। पिछले सीजन टीम टॉप 4 में भी नहीं पहुँच पाई थी। अब गंभीर ने आगे कहा कि हमारा IPL जीतना एकमात्र मिशन है, हर किसी को उसे फॉलो करना है। हमें कड़ी मेहनत करनी है और 26 मई को फाइनल में पहुँचना है।